रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैयदा फार्मेसी। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र से मैं भी ठीक ठाक हूँ। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बिस्मोल सिरप के बारे में बताऊँगी, जो दस्त और बदहज़मी के लिए नहायत ही अफेक्टिव सिरप है। बिस्मोल सिरप को हम किन किन कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, बिस्मोल सिरप की फार्मूलेशन क्या है, बिस्मोल सिरप का तरीका इस्तेमाल क्या है, और वो कौन से लोग हैं जो बिस्मोल सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेडिसिन से रिलेटेड हर न्यू इन्फॉर्मेशन आपको बरवक्त मिल सके। व्यूअर्स आइए जानते हैं बिस्मोल सिरप की मुकम्मल रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं बिस्मोल सिरप की पैकेजिंग की। तो ये एक बोतल फॉर्म में होता है और इसमें 120 ml सिरप होता है और इसकी कीमत 70 रुपये है। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी स्टोर से आसानी मिल जाएगा। व्यूअर्स अब बात करते हैं बिस्मोल सिरप की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में बिस्मोल सबसेलिलेट 88 mg हर ml 5 ml में पाया जाता है, जो बदहजमी के लिए और दस्तों के लिए नहायत ही अच्छा है। व्यूअर्स अब बात करते हैं बिस्मोल तरीका के सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, अगर उनको दस्त या बदहजमी है, तो बिस्मोल सिरप का एक एक चमचा 3 दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाएं। एक चम्मच सुबह, एक दोपहर और एक शाम। एडल्ट्स के लिए दिन में 3 बार 2-2 चम्मच, यानी 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम। व्यूअर्स अब बात करते हैं कि बिस्मोल सिरप को हम किन कंडीशंस में इस्तेमाल करते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। बिस्मोल सिरप स्टमिक अपसेट के लिए नहायत ही मुफीद सिरप है। अगर आपका स्टमिक अपसेट है, इसमें कोई मसला है या मेदे में कोई गड़बड़ है, तो इसके लिए बिस्मोल सिरप बहुत ही मुफीद है। इस तरह जिन लोगों को हार्ट बर्न होती है, यानी मेदे में तेजाबियत बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में बिस्मोल सिरप बहुत ही मुफीद सिरप है। इस तरह जिन लोगों को दस्त लगे हैं या बदहजमी लगी है, तो इस कंडीशन में भी बिस्मोल सिरप बहुत मुफीद है। बिस्मोल सिरप गैस के मसले को भी हल करता है। बिस्मोल सिरप जिन लोगों को उल्टियां आती हैं, उस मसले के लिए भी बेहतरीन है। जिनको डायरिया है या दस्त लगे जाते हैं, उनके लिए बिस्मोल सिरप बहुत ही मुफीद है। बिस्मोल सिरप डायरिया, दस्तों की बीमारी, बदहजमी, हार्टबर्न, मेदे की तेजाबियत, इन तमाम कंडीशंस में बिस्मोल सिरप बेहद मुफीद है। व्यूअर्स अब बात करते हैं बिस्मोल सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके इस्तेमाल से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपके पेशाब का रंग काला हो सकता है, आपकी ज़ुबान का रंग काला हो सकता है, आपको कब्ज़ हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। व्यूअर्स अब बात करते हैं वो कौन से लोग हैं जो बिस्मोल सिरप का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे लोग जिनको बिस्मोल सिरप के किसी भी अज़ा से एलर्जी है, वो बिस्मोल सिरप का इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन बिस्मोल सिरप इस्तेमाल ना करें। ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन बिस्मोल सिरप इस्तेमाल ना करें। व्यूअर्स ये था बिस्मोल सिरप का कंप्लीट रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स देंगे, और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल सैयदा फार्मेसी को सब्सक्राइब करेंगे। शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।